दोस्तों, आज हम जिस मेडिसिन के बारे में जानेंगे वह मुख्यतः पुरुष रोगों में उपयोग की जाती है। आज बताई जाने वाली मेडिसिन का नाम है सेलेनियम। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विकास स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल होम्योपैथी द नेचर्स गिफ्ट पर। आप वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कर लें ताकि जब भी मैं कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये सिलेनियम 2.0 वीडियो है। इस पर मैं ऑलरेडी काफ़ी समय पहले डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी ज़रूर चेकआउट करें। दोस्तों, सिलेनियम मिनरल किंगडम की मेडिसिन है और इसे सिलेनियम मेटालिकम भी कहते हैं। पहले जानते हैं कि सिलेनियम मानव शरीर में कहां कहां पर कार्य करती है, यानी एक्शन ऑफ सिलेनियम मेटालिकम। दोस्तों, सिलेनियम मुख्यतः जेनिटो यूरिनरी ऑर्गन्स पर अपनी क्रिया करती है। सिलेनियम मुख्यतः बड़ी उम्र के पुरुषों में लाभदायक रहती है जो खासकर पुरुष रोगों से पीड़ित हैं। अब जानते हैं सिलेनियम रोगी की मानसिकता के बारे में। दोस्तों, सिलेनियम रोगी किसी भी काम को करने पर बहुत जल्द शारीरिक एवं मानसिक रूप से थक जाता है। रोगी में थकान बनी रहती है। रोगी उदास एवं निराश रहता है। रोगी कामुक विचारों में डूबा रहता है। अब जानते हैं सिलेनियम के रोग लक्षणों के बारे में। दोस्तों, सिलेनियम रोगी के बाल झड़ने लगते हैं। रोगी को बाईं आंख के ऊपर सिर में दर्द होती है, जो सनलाइट में घूमने पर, स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस स्मेल करने पर और चाय पीने पर बढ़ जाती है। ऐसे में सिलेनियम अच्छे परिणाम देती है। दोस्तों, सिलेनियम रोगी स्ट्रॉन्ग ड्रिंक्स को पीने की इच्छा जाहिर करता है। रोगी को धूम्रपान करने से हिचकी एवं डकारें आने लगती हैं। रोगी को खाना खाने के बाद ब्लड वेसल्स में पल्सेशंस होने लगती हैं, खासकर पेट में, जिससे रोगी को नींद तक नहीं आती है। इसके अलावा सिलेनियम रोगी को कोई क्रॉनिक लीवर डिजीज़ भी रहती है। लीवर एनलार्ज हो जाता है, लीवर में दर्द होती है और लीवर के स्थान पर रैशेस भी हो जाते हैं। रोगी में कब्ज की समस्या बनी रहती है। इन रोग लक्षणों के चलते सिलेनियम को उपयोग में लाना चाहिए, जिससे अच्छे परिणाम मिलते हैं। दोस्तों, सिलेनियम रोगी को सुबह के समय कमर दर्द होती है। ऐसा लगता है मानो जैसे लकवा मार गया हो और वहीं रात को हाथों में चीरती हुई सी दर्द होती है। ऐसी परिस्थिति में सिलेनियम को उपयोग में लाना चाहिए। दोस्तों, सिलेनियम रोगी में काम इच्छा तो प्रबल रहती है लेकिन शरीर में बल नहीं रहता है। इसके अलावा रात को सोते समय रोगी का वीर्यपात भी हो जाता है। इन रोग लक्षणों के चलते सिलेनियम स्पर्मटोरिया, इम्पोटेंसी, हाइड्रोसिल, प्रोस्टेटाइटिस इत्यादि रोगों में बहुत ही बढ़िया मेडिसिन रहती है। इसका उपयोग ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, सिलेनियम रोगी के हथेलियों की त्वचा में ड्राइनेस आ जाती है, रूखापन आ जाता है, स्केलिंग होने लगती है, यानी कि त्वचा पपड़ी बनकर छिलके की तरह हथेलियों से अलग होने लगती है और साथ ही में खुजली भी होती है। रोगी के एंकल्स यानी एड़ियों के आसपास की त्वचा, स्किन फोल्ड्स, फिंगर जॉइंट्स और फिंगर्स के बीच में खुजली होने लगती है। इसके अलावा सिलेनियम रोगी के भौहों, दाढ़ी एवं जेनाइटल्स के बाल भी झड़ने लगते हैं। इन रोग लक्षणों के चलते सिलेनियम सोराइसिस, स्केबिस, एलोपीशिया इत्यादि रोगों में बहुत ही लाभदायक मेडिसिन रहती है। इसका उपयोग ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, अब आखिर में जानते हैं कि बताए हुए रोग लक्षणों के मिलने पर सिलेनियम को किस तरह से उपयोग में लाना चाहिए। बताए हुए रोग लक्षणों के मिलने पर आप सिलेनियम को ट्राइटूरेशन टेबलेट 3x या फिर 6x में उपयोग करें, दिन में 3 बार। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए टॉपिक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी।